हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि भाई जो हार्ट के जो कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी कार्डियक एक्टिविटीज हैं उनका रेगुलेशन कैसे होता है। तो अपन ने उसमें कल इंट्रिंसिक फैक्टर्स देखे थे, यानी कि जो हार्ट खुद से कैसे उनको रेगुलेट करता है, कैसे मैनेज करता है, कम ज्यादा कैसे करता है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं हार्ट के मैकेनिज्म को, कोई अदर देन हार्ट अगर रेगुलेट करें, यानी कि नर्वस सिस्टम जैसे रेगुलेट कर रहा है या कोई अदर केमिकल रेगुलेट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलने अगर सीधी भाषा में, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको। तो उनको देखने से पहले एक बार अपन ये कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, जैसे कि है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, आयनोट्रॉपिक एक्शन, ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन एंड बाथनोट्रॉपिक एक्शन। तो इस क्रोनोट्रॉपिक, ये सीधी सीधे टर्म्स है, इनको आगे डायरेक्टली यूज होता है भाई, ये जो नर्व्स होगी, जैसे वेगस नर्व हो गई या और कोई नर्व हो गई, जैसे कि वेगोसिम्पैथेटिक जो फाइबर्स हो गए, कार्डियोसिम्पैथेटिक फाइबर्स हो गए, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं, नेगेटिव एक्शन शो करते हैं, तो ये सब इनके लिए यूज होता है। तो पहले इनको देख लेते हैं होता क्या है। तो जैसे कि है क्रोनोट्रोपिक एक्शन, तो क्रोनोट्रोपिक एक्शन अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो वो उसका मतलब होता है हार्ट रेट से। कहीं आयनोट्रॉपिक एक्शन यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है हार्ट की कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ से। कहीं ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन यूज हो रहा है वर्ड, तो होता है कंडक्शन वेलोसिटी से रिलेटेड। कहीं वर्ड यूज हो रहा है बाथनोट्रॉपिक एक्शन, वो होता है एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट से। अब इसको समझिएगा आप एक बार, जैसे कि कहीं कोई लिख दे कि ये नर्व्स होती हैं, जैसे अपन बोल दें वेजोसिम्पैथेटिक जो फाइबर्स हैं वो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज्ड। बोले तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन शो कर रहे हैं तो हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं। वो बोले कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन शो कर रही है वेगस नर्व, तो इसका मतलब हार्ट रेट को घटाती है, यानी कि नेगेटिव घटाती है। ये है इसके अंदर। इसी तरह से बोले पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसकी ज्यादा करती है, इंक्रीज करती है, या फिर बोल दे नेगेटिव तो कम करती है। तो इस तरह से आप सबको रिलेट कर लेंगे। अब याद रखने वाली बात ये, अगर पॉजिटिव बोल रहा है यानी कि इंक्रीज करती है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज। जिस भी एक्शन का नाम आए, जो भी साइन आए, उसी के हिसाब से आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा। ये नाम है, ये इनका मीनिंग है। पॉजिटिव मतलब ज्यादा, नेगेटिव मीन्स कम करेगी। तो अब इसके बेस पे अपन देखते हैं आगे। कल अपन ने इंट्रिंसिक फैक्टर्स देख लिए थे, आज स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ हार्ट या रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, इसके अंदर अपन देखते हैं नर्वस रेगुलेशन। ये आ गया नर्वस रेगुलेशन। इसको अपन दो पार्ट में अगेन डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन एंड इनडायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन। ये दो पार्ट हैं इसके। अगर नर्वस सिस्टम की जो भी नर्व्स हैं, जो भी भाई जो नर्व्स निकलेंगे अपने, थोड़े से उसकी ब्रांचें निकल रही हो, या फिर सर्वाइकल गैंग्लियन से कोई ब्रांचें निकल रही हो, कोई भी ब्रांचें हो, अगर वो डायरेक्ट हार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट शो करें, तो वो आता है डायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन के अंदर, यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स। ये है। और इसके अंदर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके अंदर अपने किसी रिफ्लेक्स की नीड पड़ती है, इसको अपन देखेंगे लास्ट में। कोई भी रिफ्लेक्स, जैसे कि एट्रियल रिफ्लेक्स हो गया भाई, एट्रिया के अंदर कोई रिसेप्टर्स हैं, अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, वो रिसेप्टर वापस मेडुला के अंदर रेस्पॉन्स भेजेंगे, और वहां से वो अगेन कोई मैसेज आएगा, फिर अगर हार्ट की जो एक्टिविटीज कम या ज्यादा हो, तो वो आता है इनडायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन। अंदर आ गया डायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन। तो डायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर भी अपन पॉइंट देखते हैं कि जो कार्डियो
एक्सिलरेटिंग एक्सिलरेटिंग नर्व्स, यानी कि नर्व्स होंगी हार्ट के ऊपर वर्क करने वाले, दो टाइप की तो होंगी होंगी, एक तो उसको या तो एक्सेलरेट करने वाली होगी या फिर इनहिबिट करने वाली होगी, उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाने वाली होगी, उसकी एक्टिविटीज को कम करने वाली होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बढ़ाने वाली एक्सेलरेटिंग, तो इसमें है, कल अपन ने देखा था ANS था, उसके दो पार्ट किए थे अपन ने, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के एक पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। तो अपन जब एक्सेलरेटिंग की बात करेंगे तो काम आता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक। इसकी अगेन दो डिवीजन होते हैं, एक आता है वेगोसिंपैथेटिक, एक आता है कार्डियोसिंपैथेटिक। ये इसकी दो ब्रांचे हैं, दो डिवीजन होते हैं इसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, कार्डियोसिलेटिंग नर्व्स के अंदर। वेगोसिंपैथेटिक जो होती है वो होते हैं सर्वाइकल गैंग्लियन की फाइबर्स होते हैं, लिख देता हूँ, सर्वाइकल गैंग्लियन फाइबर्स, मान लेते हैं फाइबर्स हैं, ये साथ चलेंगे और हर्ट तक आएंगे वेगस नर्व के साथ या फिर वेगल फाइबर्स के साथ, ये आएंगे सर्वाइकल गैंग्लियन के फाइबर्स। एक ये मिलते हैं इसके अंदर, वेगोसिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे सर्वाइकल गैंग्लियन फाइबर्स, जो कि निकल के आएंगे साथ साथ वेगल फाइबर्स के साथ में। और जो कार्डियोसिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आते हैं, वो जो फाइबर्स होते हैं होंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक नर्व्स के, ये है इसके अंदर कि भाई सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम आएगा, उसके अंदर दो तरह के जो डिवीजन बांट दिए जाते हैं आगे, वेगोसिंपैथेटिक एंड कार्डियोसिंपैथेटिक। वेगोसिंपैथेटिक जो होते हैं वो ब्रांचेज होती है सर्वाइकल गैंग्लियस के फाइबर्स होते हैं, जो कि वेगल फाइबर्स के साथ साथ चल के आते हैं हार्ट तक, और जो कार्डियोसिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बने हुए होते हैं मिलके सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ थोरेसिक जो नर्व होती हैं उनके फाइबर्स से। अब इनका काम क्या है, काम इनका यही है कि इनके जो फाइबर्स आएंगे वो आएंगे ऐसे नोड पे, एवी नोड पे, एवी बंडल पे, एवी बंडल का ही दूसरा नाम है बंडल ऑफ हिस एंड वेंट्रिकल्स पे, यहां इनके फाइबर्स आएंगे। और जो इंक्रीज होगा वो जो चारों इफेक्ट अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे वीडियो के, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट एंड बाथनोट्रोपिक इफेक्ट, उनको आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करेंगे, ऑल फोर एक्शन ऑल फोर इफेक्ट शोस पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यानी कि सब कुछ बढ़ाएंगे। वो जो शुरुआत में अपन ने चारों जो पॉइंट देखे थे उनमें चारों के चारों के अंदर पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करेंगे जो भी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होंगे इनके फाइबर्स। इसके बाद देखते हैं अपन कार्डियो इनहिबिटरी नर्व्स, देखिएगा इसको कार्डियो इनहिबिटरी नर्व्स। ये तो हो गई थी एक्सिलरेशन की बात, यानी कि चारों इफेक्ट, हार्ट बीट भी बढ़ेगी उसके अंदर, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ेगी एंड कंडक्शन की जो भी वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अब देखते अपन कार्डियो इनहिबिटरी नर्व्स, कार्डियो इनहिबिटरी नर्व्स में एक ही नर्व का नाम आता है, ओनली सिंगल नर्व होती है उसके अंदर, अगर अपन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखें तो उसके अंदर अपने को सिंगल नर्व दिखेगी, वो होती है वेगस नर्व, वेगस नर्व, ये होती है टेंथ क्रेनियल नर्व, टेंथ क्रेनियल नर्व, और इफेक्ट जो शो करेगी वो दिखेगी पैरासिंपैथेटिक
पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट यानी कि सभी एक्टिविटीज को कम करेगी, पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट। वेगस नर्व आएगी, टेंथ क्रेनियल नर्व, इसका नाम होता है मतलब इसका नंबर होता है फिक्स, भाई 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट शो करेगी, यानी कि जो मेनली जो ये करती है वो करेगी एक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड आयनोट्रोपिक इफेक्ट, इसके लिए नेगेटिव रेस्पॉन्स क्रिएट करेगी, नेगेटिव रेस्पॉन्स यानी कि हार्ट बीट कम होगी और जो कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ है हार्ट की वो भी कम होगी इसके अंदर। और इसके अंदर पॉइंट है जी, एक है वेगल इनहिबिशन, देन आता है वेगल एस्केप। जो वेगस नर्व आएगी उसका अपना इफेक्ट होगा, उसके इफेक्ट के बाद में अगर हार्ट बीट कम हो रही है, हार्ट बीट फॉल्स डाउन, देन इट इज नोन एज वेगल इनहिबिशन। हार्ट बीट का कम होना वेगल इनहिबिशन, और अगर हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो गए वही एकदम से स्लो डाउन हो जाए, उनकी रेट बहुत कम हो जाए हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है, फिर जो इंसिडेंट होगा उसको बोलेंगे अपन वेगल एस्केप। तो याद रखें, फर्स्टली आएगा वेगल इनहिबिशन, देन कम्स वेगल एस्केप, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एकदम से स्लो डाउन हो गए तो जो इंसिडेंट होगा उसको जाना जाएगा वेगल एस्केप के नाम से, और अगर हार्ट बीट कम हो जाए वो इंसिडेंट होगा वेगल इनहिबिशन। एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे कि अपन जानते हैं एएनएस, इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक। अब अगर सिंपैथेटिक का एक्शन आता है तो हार्ट बीट बढ़ती है, पैरासिंपैथेटिक आता है तो घटती है, ये आप सब जानते हैं। इनकी एक टर्म है, मेमोरेबल टर्म है, ये आएगी टैकीकार्डिया, ये आएगी ब्रेडीकार्डिया, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया, इनको आप डायरेक्टली याद रखें। अगर हार्ट बीट बढ़ रही है तो होगी टैकीकार्डिया, हार्ट बीट कम हो रही है तो आएगी ब्रेडीकार्डिया। सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ी, टर्म इज नोन एज टैकीकार्डिया विच मीन्स इंक्रीज इन हार्ट बीट। पैरासिंपैथेटिक एक्शन आया, हार्ट बीट कम होगी, टर्म इज नोन एज ब्रेडीकार्डिया। ये पॉइंट हम के अंदर अब अपन देखते हैं इनडायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर बाय नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आता है इनडायरेक्ट रेगुलेशन। तो डायरेक्ट रेगुलेशन के अंदर अपन ने देखा था कि भाई जो भी सर्वाइकल गैंग्लियन के फाइबर्स हों या फिर थोरेसिक नर्व्स के सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ब्रांचेस हों वो आती हर्ट के ऊपर सीधे अपने पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करती हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करती हैं, या फिर अगर अपन इनहिबिशन की बात करें तो उसके अंदर वेगस नर्व आती है और डायरेक्ट अपना एक्शन शो करती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट रेगुलेशन आएगा उसके अंदर क्या होगा कि अपने को किसी भी किसी रिफ्लेक्स की नीड पड़ती है इसके अंदर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्स। ये पॉइंट इसमें आप याद में रखेंगे कि वही रिफ्लेक्स की नीड पड़ती है इसके अंदर। तो उसमें वही अगेन दो पॉइंट हैं, एक तो अपने एक्साइटेटरी की बात करेंगे और एक इनहिबिटरी की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्डियो एक्साइटेटरी या फिर कार्डियो एक्सेलरेटिंग फ्लेक्स लिख लेते हैं इसको।
ये जो रिफ्लेक्स है इसी का ही नाम है एट्रियल रिफ्लेक्स। एट्रियल रिफ्लेक्स और एक और नाम इसका ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इसको देखिएगा। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि अपना हार्ट बीट कम है, बीपी कम है, या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया। ये हार्ट है, अब उसमें अपन मानते हैं ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो अपन एक बार राइट साइड के लिए बात करते हैं। ब्लड प्रेशर अगर कम है इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो कम है। कम है अगर कॉन्ट्रैक्शन की रेट, कॉन्ट्रैक्शन कम है तो ब्लड हो रहा है एक्यूमुलेट, किसमें? एट्रियम में। एट्रियम में हो रहा है ब्लड एक्यूमुलेट। अब अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है इसको अपन इधर लिखते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, वो होंगे एक्टिवेट। और वो एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल भेजेंगे वेजोमोटर सेंटर में, मेडुला में, वेजोमोटर सेंटर मेडुला। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ एट्रियम विल बी एक्टिवेट एंड देन सेंड देयर सिग्नल टू द वेजोमोटर सेंटर ऑफ मेडुला। इसके बाद जो मेडुला होगा वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर को एक्टिवेट करेगा। ऐसा अपन ने क्यों लिखा है? क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन की रेट ही तो कम है, जो इसमें संकुचित हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हीं की रेट कम है। अगर रेट उसी की बढ़ जाए तो बीपी वापस से नॉर्मल हो जाए, या फिर बोलेंगे एक बार के लिए कम से ज्यादा हो जाए, तो ये करेगा बीपी में इंक्रीजमेंट, या फिर बीपी आ जाएगा नॉर्मल पे। ये अपन ने लिखा है कि भाई नॉर्मल से ज्यादा नहीं, जो कम था उसको बढ़ाएगा और उसको नॉर्मल पे ले आएगा, इसलिए ये लिखा गया है। ये होने के बाद जो भी एट्रियम के अंदर ब्लड है वो नॉर्मल अमाउंट आ जाएगी ब्लड की, और जो सर्कुलेशन है वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है इसका मतलब। अब इसमें अपने को डायरेक्ट नर्व से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, पहले इसके रिसेप्टर काम किए एट्रियम के, उन रिसेप्टर जो एट्रियम के रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने अपना जो सिग्नल था वो भेजा वेजोमोटर सेंटर मेडुला में, वो एक उसने एक्टिवेट किया वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर। कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में जो भी एट्रियम के वेंट्रिकल के कॉन्स्ट्रिक्शन से वो स्टार्ट हुए, स्टार्ट होने के बाद में ब्लड वापस से बाहर निकला, कम हुआ जो ब्लड प्रेशर था वापस से नॉर्मल आया, या फिर बढ़ा पहले की जो कंपेरिजन में, और अगेन देन बीपी नॉर्मल पे आ गया। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट रेगुलेशन हुआ है नर्वस सिस्टम का। इन सब चीजों से हम बोल सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम का इनडायरेक्ट रेगुलेशन देखने को मिला है अपने को। तो ये था कार्डियो एक्सलरेटिंग रिफ्लेक्स। उसके बाद देखते हैं अपन कार्डियो इनहिबिशन। अच्छा, ये एक्टिवेट कब होगा? जब ब्लड प्रेशर कम हो स्टार्टिंग में, है ना, ये याद में रखें। अब देखते हैं कार्डियो इनहिबिटिंग या इनहिबिशन रिफ्लेक्स। इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। इसके अंदर अपन दो चीजें देखेंगे, दो तरह से होता है, या फिर दो टाइप के इसमें जो स्ट्रक्चर उनकी नीड पड़ती पड़ती है। एक होता है कैरोटिड साइनस, एक होता है एओर्टिक बॉडी। अच्छा, ये काम कब करेगा कैरोटिड? कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स कब काम करेगा? जबकि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, उसको नॉर्मल पे लेके आएगा। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें कैरोटिड साइनस के लिए, कैरोटिड साइनस,
कैरोटिड साइनस कुछ भी नहीं होती, एक स्ट्रक्चर होती है जो अपनी कैरोटिड आर्टरी है, मान लेते हैं कैरोटिड आर्टरी है, ये जा रही है कैरोटिड आर्टरी, अपन जानते हैं जो कि ब्रेन होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है, तो ये जा रही है और अपने इस लेवल पे, गर्दन के इस लेवल पे ये इसका बाइफर्केशन हो जाता है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक लेफ्ट में एक राइट के अंदर, जो तो इसका बाइफर्केशन का पॉइंट है, इसके जो दो पार्ट में बटने वाला पॉइंट है वहां के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, उसी को बोलते हैं अपन कैरोटिड साइनस। ये है कैरोटिड साइनस। अब इसके अंदर अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इसके अंदर होते हैं रिसेप्टर, वो सिग्नल भेजते हैं वापस से ब्रेन के पास में, और अगेन वहां से हार्ट बीट को स्लो डाउन किया जाता है। एक मिनट, लिटिल सा कंफ्यूजन इसमें, कैरोटिड साइनस जी सही है। ब्रेन के अंदर कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होते हैं, बस ये याद में रखें आप, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। और जो भेजे जाते हैं वो होती है हेरिंग नर्व, ये भी आप याद में रखें, यहां पे मिलती है हेरिंग नर्व, इसके अंदर मिलती है हेरिंग नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की एक ब्रांच होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा जो कि रिसेप्टर एक्टिवेट हुए ब्रेन के, जो कि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है मेडुला के अंदर, उन पे इसने सिग्नल भेजा, वहां से हार्ट बीट को स्लो डाउन, उन्होंने उनका वापस एक्शन आया हार्ट के ऊपर, और जो हार्ट की बड़ी हुई रेट से उसको अगेन स्लो किया गया। ये है इसके अंदर, इसके अंदर जो नर्व होती है हेरिंग नर्व, जो कैरोटिड साइनस नर्व होती है उन्हें उसी का नाम होता है हेरिंग नर्व, ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की एक ब्रांच होती है। तो ये है कैरोटिड साइनस की मैकेनिज्म। ब्रेन इसमें आती है ओर्टिक बॉडी, ओर्टिक बॉडी जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट से अपन ने देखा था aorta निकलती है, तो हार्ट को कवर करके निकलती है, जैसे कि ये कोई हार्ट है, यहां से aorta निकली तो निकल के पहले इसके ऊपर की साइड आती है, यूं नहीं है कि नीचे के नीचे यूं निकल गई, अपन सिर्फ डायग्राम समझने के लिए इसको नीचे के नीचे बनाते हैं, तो अपन निकलते हैं मान लेते हैं यूं निकली है एक बार, तो इसकी आर्च होती है, इसके ऊपर की साइड ब्रांच होती है, अपन एक बार खाली इस उसको बनाते हैं, ये है aortic arch, आर्च के आर्च होती कोई भी कर्व सा पोर्शन होता है उसको आर्च बोलते हैं अपन, तो आर्च के आगे स्वेलन सा पार्ट मिलता है इसका फूला हुआ सा, उसको बोलते हैं अपन aortic बॉडी। अब अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो यहां से सिग्नल भेजे जाएंगे वापस ब्रेन को, यहां पे भी स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, प्रेशर को विजुअलाइज करने वाले, प्रेशर को फील करने वाले रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर, ये अगेन अपना सिग्नल भेजेंगे कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर में, और देन अगेन सेम मैकेनिज्म होगा, वही बीपी को कम किया जाएगा या फिर बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दो तरह की मैकेनिज्म होती है, इसमें aortic arch होती है एक, और होती है इसमें कैरोटिड साइनस के अंदर, ये दो प्रकार की होती है इसके अंदर। ये ब्लड प्रेशर कम करती हैं, इसलिए इनको डिप्रेसर नर्व भी बोलते हैं, डिप्रेसर नर्व। जो aortic बॉडी के अंदर जो भी नर्व होती हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, इसलिए उनको डिप्रेसर नर्व भी बोला जाती है, इनका एक्स्ट्रा नेम है। इन दोनों से निकली हुई जो भी नर्व होती है इनको अपन एक कंसाइज फॉर्म में अगर बोल रहे हैं, दोनों की नर्व को एक नाम दें तो इनकी नर्व को अपन बफर नर्व भी बोलते हैं। ये पॉइंट है इसके अंदर। इस तरह से कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स के अंदर दो टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, कार्डियो साइनस कैरोटिड साइनस सॉरी एंड aortic बॉडी।
कैरोटिड साइनस से अपने देख लिया कि जो भी अपने जो कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन होता है वहां पे ये स्ट्रक्चर बनी हुई होती है कैरोटिड साइनस, और वो अपने कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को रिफ्लेक्स भेजती है और वहां से अगेन ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर। अगली बार अपन मिलेंगे जब देखेंगे कि भाई जो केमिकल्स होते हैं वो कैसे कार्डियो एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच।